दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जूम ऐप कैसे काम में लें। सबसे पहले दोस्तों, आपको इसके लिए जूम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप प्ले स्टोर में जाने का आप सबके फ़ोन में प्ले स्टोर होता होगा, जैसे ये ऑप्शन दिखेगा प्ले स्टोर, जहाँ पे ऐप इंस्टॉल किए जाते हैं। तो यहाँ जाने के बाद आप जाएं प्ले स्टोर पे और यहाँ आप डालें ZOOM जूम, और आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है जूम क्लाउड्स मीटिंग, ये आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने का अपन वेट करेंगे। जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उस हिसाब से काम चलेगा। यदि आपकी स्पीड स्लो है तो स्लो डाउनलोड होगा, यदि फास्ट है तो फास्ट डाउनलोड होगा। एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है तो अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जूम ऐप बहुत ही एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इससे मीटिंग्स करना बहुत आसान हो जाता है। प्रेजेंटेशन देना, समझाना, बातचीत करना बेहद आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐप इंस्टॉल होने के बाद हो चुका है, जितनी परमिशन मांगे, कैमरा साउंड जैसे ही हो जाता है, अलाउ एक्सेप्ट करना है। ओके, हम वेट कर रहे हैं सर। ओके, हो गया है। अब हम करेंगे ओपन। अब दोस्तों, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन अ मीटिंग, उसके बाद साइन अप, ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन। आप चाहें तो सीधा ज्वाइन मीटिंग पे जाके, यदि आपके पास तुरंत कोई मीटिंग लेनी है तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके जो भी आपके सीनियर ने आपको मीटिंग आईडी दी है वो आईडी डाल के, उसका यदि पासवर्ड होगा तो पासवर्ड भी डालना पड़ेगा आपको और मीटिंग आईडी भी डालनी पड़ेगी। और आप जिस नाम से मीटिंग रूम में जाना चाहते हैं वो नाम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जैसे कि डोंट कनेक्ट ऑडियो, टर्न ऑफ माई वीडियो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहते हैं, इसे बंद ही रहने देना है, वरना मीटिंग में आप बोल नहीं पाएंगे, आपका वीडियो नहीं आ पाएगा। तो अभी हम करेंगे साइन इन पे क्लिक, जिससे हमारा ये परमानेंटली अकाउंट जूम पे बन जाए। तो दोस्तों, साइन इन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा ईमेल एड्रेस पासवर्ड, आपको सिर्फ गूगल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका ईमेल आईडी होगा फ़ोन में डिफ़ॉल्ट जीमेल, वो आपको चूज़ करना है। जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, चूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जूम ऐप लॉन्च हो जाएगा मेरे सामने। यदि जूम ऐप लॉन्च नहीं होता है तो ये जो चीज़ है लॉन्च क्लिक करके खुल जाएगा और यहां पे आपका ये आ गया। अब दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, ओके, ये सब आ गया है। आप इसके बाद मीटिंग पे क्लिक करेंगे, मीटिंग्स। तो दोस्तों, यहां पे ये आपका जो पर्सनल आईडी है, ये आपका मीटिंग आईडी है। जिस भी बंदे से मीटिंग करनी है, जो आपके साथ करना चाहता है, उसे आप ये मीटिंग आईडी दें, ठीक है। तो उसके यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, म्यूट, स्टॉप वीडियो, शेयर पार्टिसिपेंट्स, मोर। तो दोस्तों, म्यूट और स्टॉप वीडियो पे ध्यान दें कि लाल बटन ना हो, वरना आवाज़ और वीडियो नहीं आएगा। इसके बाद शेयर बटन पर जाके आप अपना स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, बहुत कुछ शेयर कर सकते हो, फोटो, वीडियोस पार्टिसिपेंट के साथ में। और यदि आप चाहते हो कि वो भी अपना शेयर करे, तो आप मीटिंग सेटिंग में जाकर के
आप ये जो ऑप्शन है मीटिंग सेटिंग वाला, यहाँ जाने के बाद आप पार्टिसिपेंट को स्क्रीन शेयर स्क्रीन करने के लिए ओके कर सकते हैं। ये जो आ रहा है अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन, यहाँ जाके टिक मार सकते हैं, तो ये ऑप्शन अगला भी शेयर कर सकता है, आप व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था जूम ट्यूटोरियल, आप यूज़ करें, आगे बढ़ें। गुड एमसी।